आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दाल बाटी और गट्टे की सब्जी बनाने की इजी रेसिपी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ऊपर से मस्त क्रिस्पी करारी और अंदर से सॉफ्ट बाटी कैसे बनाते हैं। तो पहले एक खाली बाउल में मैंने लिया था 2 कप गेहूं का आटा, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून सूजी। सूजी डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूजी की वजह से ही बाटी सॉफ्ट हो जाती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपने अभी नीचे पढ़ ही लिए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हमें हाथों से ही आटा ऐसे पहले क्रम्बल करके यानी मिक्स करा के लेना ही है, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे पानी ऐड करना है क्योंकि बाटी का आटा अच्छा खासा सख्त होता है, स्टिफ आटा होता है। जितना हम स्टिफ गूंदेंगे उतनी हमारी बाटी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हम आटा थोड़ा सा सॉफ्ट वाला गूंदते हैं ना तो बाटी काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाती है अंदर से, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। तो आप देख रहे हैं ऐसी सख्त कंसिस्टेंसी वाला आटा हमें गूंदना है। आटा जितना सख्त रहेगा बाटी उतनी ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस आटे को गूंदने के लिए मुझे लगा है 1/4 कप वाटर। अब इस आटे को हम आधा घंटा साइड में रख देंगे ताकि उसके अंदर जो हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल के आ जाए। तो अब आधा घंटा हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, पहले एक कढ़ाई में पानी रख दूंगी गर्म करने के लिए। और देखो अब आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, पहले से बेहतर। अब इस आटे से हमें छोटी छोटी बाटियाँ तैयार करनी है, इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। ये इतनी बाटी रेडी हो गई है, ये 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है इतना। ओके, मैं ये जो पूरी रेसिपी दिखा रही हूँ ये 2 लोगों का है क्वांटिटी। अब इसमें जो प्लेट रखी है उसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस करके ले लिया था। अब उसमें एक एक करके बाटियाँ रखेंगे, उनको हम 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करके लेंगे। सो 10 मिनट्स हो गए हैं। सो यहाँ तक के प्रोसीजर के लिए मुझे लगा है लगभग 45 मिनट्स। सो अभी देख लो बाटी ऊपर से इसे गोल्डन ब्राउन हो गई है। सो आप छुरी डाल के चेक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर से देखो कलर तो मस्त आ गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ढक के ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस बंद करके। तब तक दूसरी कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि हमें बाटियों को अब फ्राई करना है। जी हाँ, पहले स्टीम करेंगे फिर फ्राई करेंगे। बाटियों का ओवन भी आता है, उसमें हम बाटियां सेक के भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी टेस्ट नहीं पसंद मुझे, इसलिए हम इस मेथड से बनाते हैं। सो अब हम इसे बीचों बीच काट लेंगे, 4 पीस करेंगे इसके, क्योंकि फिर फ्राई करने में आसानी हो जाती है, अंदर से अच्छी खासी पक जाती है। सो घी अच्छा खासा गर्म होने के बाद उसमें धीरे धीरे बाटियां डालनी है। तो बाटियों को मैंने तेज आंच पे फटाफट से फ्राई कर लिया था, क्योंकि जितना हम जल्दी जल्दी उनको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे उतना वो अंदर से सॉफ्ट रहेंगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है। तो इस मिक्सी में मैंने शक्कर पहले से पीस ली है, और ये देखो जो मैं सॉफ्ट सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी की बात करी, देख रहे हैं ना आप कितनी आराम से टूट रही है, लेकिन ऊपर से लग रही है मस्त क्रिस्पी। तो ये खाने में बहुत यमी लगती है। सो ये बाटियों का चूरा, उसके ऊपर जाएगा मस्त घी। घी में कोई कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि बाटियों का असली मज़ा ही घी में है। और उस पर जाएगी पिसी हुई चीनी। तो घी और शक्कर की क्वांटिटी एज पर योर टेस्ट रहती है, क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा। तो यहाँ तक चूरमा और बाटी रेडी करने के लिए मुझे लगा है लगभग 1 घंटा।
एंड ओवरऑल दाल बाटी चूरमा एंड गट्टे की सब्जी ये पूरी रसोई करने के लिए लग जाता है 1.25 से 1.5 घंटा, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली काम करते हैं ना, इसलिए। तो अब दाल बाटी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी गट्टे की सब्जी की रेसिपी, क्योंकि दाल बाटी के साथ गट्टे की सब्जी खाने में बहुत मस्त लगती है। तो सारी चीज़ों को पहले हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना दही डाला है इसलिए इसमें बहुत कम पानी लगने वाला है, और दही की वजह से ना टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है गट्टे की सब्जी को। तो अब मैंने यहाँ पे डाला है लगभग 2 टेबलस्पून पानी, जो मुझे लगा था कि इतना काफ़ी हो जाएगा, लेकिन ये मुझसे हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा पानी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी वापस से थोड़ा सा सूखा बेसन। जी हाँ, पानी कम ज़्यादा होता ही रहता है, क्योंकि बेसन में पानी का अंदाज़ा गलती आता है बहुत बारी, तो अगर पानी ज़्यादा हो भी गया तो बेसन से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना होगा, मसालों का प्रोपोर्शन गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर गट्टों की टेस्ट बिगड़ सकती है। तो अब ऐसे सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो रेडी हो गया है, तो अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें गट्टों को उबाल के लेना है। तो 5 मिनट के बाद इस डो को मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, ताकि वो हाथ को चिपके ना, बस इसीलिए। तो गट्टों की साइज़ कैसे रखनी है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। वो जो मोटे मोटे के राउंड शेप के गट्टे होते हैं वो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत ही बेसन बेसन जैसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही पतले पतले बनाने में प्रेफर करती हूँ। तो मैं ये जो अभी हाथों पे बना रही हूँ, आप ये सेम प्लेट पलटी करके भी उस पर बना सकते हो। सो हो गए हमारे गट्टे रेडी। तो पानी में उबाल आने के बाद को एक एक करके पानी में छोड़ेंगे, और उसे चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उसे मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने तक रखना है। इन्हें मैं अब एक बॉईल आने के बाद सिंपल स्पून से थोड़ा थोड़ा नीचे से ना एकदम हल्के हाथों से हटाऊंगी, मतलब वो ना चिपक जाते हैं जब हम डालते हैं ना नीचे तब। तो अभी अच्छे खासे हो गए हैं कुक, इसके सिर्फ ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए मैं और इसको पकने दूंगी। तो देखिए अभी गट्टे का, ये देखिए गट्टे अच्छे से कुक हो गए हैं। इनको मैंने पूरा कुक नहीं किया, हाफ कुक किया, और ओवर कुक करेंगे ना तो वो बहुत ही टूट जाते हैं, तो उसकी टेस्ट अच्छी नहीं आती। सो इसे एक बाउल में सेपरेट कर लेंगे, और ये जो गट्टों का पानी बचा हुआ है, ये जो स्टॉक है, कि ये पानी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो अभी इसे एक स्पून की हेल्प से इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूंगी, बहुत छोटे नहीं करनी है, मीडियम साइज करने हैं। देखो ये आराम से टूट रहे, इसका मतलब ये पक गए हैं अच्छे से। ओके, दैट्स इट। इतनी आसानी से और इतना इजी तरीके से मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने दही ऑलरेडी डाला है, तो मैं अनियन नहीं डालती, क्योंकि अनियन एंड दही अपोजिट कॉम्बिनेशन है ना आयुर्वेदा के हिसाब से, हमें वो साथ में नहीं खाना चाहिए, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और दाल बाटी के साथ साथ आप गट्टे की सब्ज़ी भी उसी में डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है दाल बाटी। गट्टे की सब्जी के लिए अलग से आपको रोटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो ग्रेवी है यानी जो करी है वो कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंडिंग है, लेकिन मेरी मानो तो अगर आप दाल बाटी के साथ इसको बना रहे हो तो ग्रेवी
थोड़ी सी हिसाब से ही रखो, मतलब ज्यादा मत बनाओ, सूखे तो बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए गट्टे, उसकी फिर टेस्ट नहीं लगती। यस, और ये हो गए हमारे गट्टे रेडी। अब हम देख लेते हैं दाल। तो दाल के लिए मैंने लिए हैं 2 मिक्सचर की दाल, 1/2 कप मूंग दाल एंड 1/4 कप तूर दाल। तो ये आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल नहीं, 2 लोगों के लिए दाल उतनी लग ही जाती है, क्योंकि बाटी में बहुत दाल लगती है। तो बस हो गई रसोई रेडी। अब इसे हम बहुत प्यार से सर्व करके लेंगे। और ये मेरी स्प्रू की फरमाइश पे बॉबी भी फ्राई करी थी मैंने। तो ये हो गई हमारी पूरी रसोई रेडी। तो आई नो आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा है, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।